के बारे में विस्तार से जानेंगे। हिंदी भाषा में शब्द के 8 भेद होते हैं, सर्वनाम उनमें से एक है। सर्वनाम को अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम 2 शब्दों के मेल से बना है, सर्व यानी सबके लिए या सब। नाम किसी का भी हो सकता है, मेरा नाम, आपका नाम। सर्वनाम को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जो नाम या शब्द सबके स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। राधा आज अत्यंत प्रसन्न है। राधा यहाँ संज्ञा शब्द है, यानी सिर्फ राधा के बारे में बात हो रही है। वह आज अत्यंत प्रसन्न है, वह जो है सर्वनाम है, यानी यहाँ पर हमने संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का इस्तेमाल किया। सर्वनाम के प्रयोग का एक और उदाहरण देखते हैं। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी चिकित्सक हैं। कैसा लगा? आइए इसी को हम दूसरी तरह से देखते हैं। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी चिकित्सक हैं। पहले वाले वाक्य में हमने पढ़ा था मोहन यानी संज्ञा शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब हमने संज्ञा के स्थान पर यहाँ सर्वनाम का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारी भाषा अच्छी लग रही है। सर्वनाम में मूल शब्द 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। मूल शब्द का अर्थ है मुख्य। इन्हीं मुख्य मूल शब्दों की सहायता से अन्य सर्वनाम शब्द बनते हैं, जैसे मैं से मेरा, मुझे, तू से तुम्हारा या तुम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष अर्थात व्यक्ति, जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता, तथा किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता यानी सुनने वाला अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला जिनके विषय में कुछ बातचीत करता है, यानी जब हम किसी तीसरे के बारे में कोई बात करते हैं उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं। यह मेरी पुस्तक है। यह सर्वनाम शब्द है, यानी संकेत कर रहा है कि यही मेरी पुस्तक है।
माधव की गाय है। वह सर्वनाम शब्द है जो निश्चित रूप से बता रहा है कि वही माधव की गाय है। परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी दरवाजे पर कौन खड़ा है ये निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा है। स्वाद में कुछ कमी है, कुछ यानी स्वाद में क्या कमी है ये निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा। नमक मिर्च या कुछ भी कम हो सकता है, तो यहाँ पर कोई और कुछ सर्वनाम शब्द है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा जाने तो कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम उदाहरण के रूप में देखते हैं जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। यहाँ पे आपस में एक दूसरे का संबंध बताया जा रहा है कि जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी है भैंस उसी की होगी। तो जो और उसी को तथा जिसकी और उसकी शब्द एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द का उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो, मास्टर जी का क्या नाम है, यहाँ पर क्या सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध करा रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। आइए उदाहरण देखते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। यहाँ पर अपना और अपनी निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि निज का अर्थ है स्वयं, यानी जब हम कोई कार्य स्वयं या अपने आप करते हैं तो वे निजवाचक सर्वनाम होता है। आइए निजवाचक सर्वनाम को परिभाषित करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज हमने जो पढ़ा उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, मुझे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, ये, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम निकटवर्ती के लिए यह, यहाँ। निश्चयवाचक सर्वनाम दूरवर्ती के लिए वह, वहाँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सजीव के लिए कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निर्जीव के लिए कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसकी, उसकी। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। निजवाचक सर्वनाम आप, अपना।
Thank you.